हाय फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल रेसा की प्यार से भरी प्यारी सी दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं अभी अभी आप अभी अभी भाईजान का कॉल आया था। फरदीन ने रात में मच्छी लाई है जहाँ से हम लेकर आए थे, जो मैंने पिछले व्लॉग में आपके साथ शेयर किया है, वहाँ से फरदीन जो है मच्छी लेकर आया है। तो फिर अभी आप भाईजान ने कॉल करके बुलाया है और रात में आपा ने मैसेज कर दिया था कि मैं मच्छी जो है सुबह में फरदीन क्लीन करके लेकर आएगा, तब मैं आपको दूंगी। तो अभी मैं जो है आपा के घर, हसीन आपा फिलहाल घर में है। हसीन आपा कचरा निकाल को रखना। हाँ, सुक्का भी बहुत है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपा मुझे बोल रहे थे भाईजान और आपा के फरदीन ने जहाँ से मच्छी लाई है ना, वहाँ पर फरदीन को मतलब घाटा हो गया है। उसने पैसे तो ज़्यादा दे दिए लेकिन मच्छी जो है हमें कम मिली थी। मच्छी तकरीबन 8 पीसेज, यानी कि जो अक्की वाली मच्छी होती पूरी एक होल मच्छी जो है वैसे 8 पीस आए हैं। उसमें से आपा ने साफ़ करवा के कटवा के आधा आधा कर लिया है। तो आपा वही बोल रहे थे इस बार देखा हमें मच्छी कम मिली है तो इसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैंने कहा इतना ही काफ़ी है। तो यहाँ पर फरदीन ने मतलब जहाँ पर मच्छी लेकर आया था वो वीडियो ग्रुप में शेयर किया था, तो मैंने सोचा आपके साथ भी थोड़ा सा शेयर कर दूँ। बनाए थे वो काफ़ी अच्छे से सूख चुके हैं, विंडो में काफ़ी अच्छी धूप आ रही थी तो सूख चुके हैं। बस इनको फ्राई करना है, देखना है कि किस तरह से बने हैं। तो जब फ्राई करूँगी तो आपको आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। बट अब फिलहाल इसको मैं एक पॉलीथीन में डालकर सारे जो मेरे मतलब जहाँ पर मैं पापड़ रखती हूँ उस वाले कंटेनर में डाल के रख दूँगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आज मैंने अप्पम बनाया है, साथ में 2 चटनियाँ बनाई जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अप्पम सॉफ्ट बनाए कि अजमा को क्रिस्पी जो होते हैं वो नहीं पसंद है, और इस तरह से चटनी में जो भी हमने मसाला डाला हुआ होता है वो भी नहीं पसंद है इसको। धनिया, कड़ी पत्ता, ये सब कुछ नहीं खाती है। और आज मैंने बड़े दिनों के बाद 2 तरह की चटनी बनाई है क्योंकि अजमा के पापा को काफ़ी पसंद है। और अजमा को ये जो लाल वाली चटनी है काफ़ी अच्छी लगती है। और आज अजमा का जो ब्रेकफास्ट है बहुत जल्दी, यानी कि काफ़ी जल्दी हो रहा है, तकरीबन 9 बजे, क्योंकि वो जा रही है कराटे क्लास के लिए। तो उसकी कराटे क्लास है तो उसके लिए मैंने जल्दी बना दिया है। आज संडे है तो चलिए पहले उसको देख कर आते हैं, बाद में मैं ढक के रख दूँगी। लाइट लग गई, नहीं लगा बैठो। देखिए अजमा का ब्रेकफास्ट तैयार है। अजमा भी अभी जरे अच्छा जल्दी कर, अभी बहुत 1 घंटा है, 1 घंटा है पूरा नहीं। पूरा पूरा देख उधर, 9:10 है तो तेरे पास कहते हैं 20, 25, 30, 35 मिनट है, आधा घंटे के ऊपर है। 35, 10 तक भी तुम रेडी रहो। कहाँ अनु ना, 5 मिनट है जब जाएंगे, 5 मिनट बचता नहीं तब जाएंगे। 9:10 हो रहे हैं तो 11 को तक जाएंगे, जल्दी ले। देखिए फ्रेंड्स, इतने मैंने खे शायद से, उसमें भी इसने 4 पचाए हैं, कह रही है कि आकर खाएंगी। तो अभी टाइम भी हो रहा है तो इस वजह से मैं भी सोच रही हूँ कि जाने देते हैं, वरना मैं इसको नहीं छोड़ती, पूरा खिला के रहती। तो अभी पहले उसको रेडी करते हैं। बेल्ट मैं आपको दिखाती हूँ कराटे के, ये है येलो। ज़्यादा जब छोटी थी तब उसको ये वाइट जो यूनिफॉर्म के साथ वो जो बेल्ट मिला है वो येलो और रेड मिला है। इसके आगे और भी होती हैं, ग्रीन होता है, ब्राउन होता है और ब्लैक होता है, मतलब तो पूरा प्रो जो पूरा कोर्स कंप्लीट होता है ना, तो ब्लैक बेल्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अजमा को मैं एक दिन मतलब एक क्लास पहले मैं जब लेने गई थी तो तब जो टीचर थी उन्होंने कहा था कि अजमा का रेड बेल्ट दिखाना। तो यहाँ पर मैं उसको बोल रही थी कि रेड बेल्ट ही पहन के जाना, टीचर ने बोला है। लेकिन अजमा बोल रही थी कि अजमा को बोला है कि जो येलो बेल्ट है वो पहन कर आना, एक स्टेप जो है बैक लेंगे, यानी कि जो अभी नए से स्टार्ट हुई है क्लास तो उनका जो रूल्स होते हैं वो
फॉलो करना है। तो यहाँ पर हर मतलब जो सिखाते हैं ना उनके अलग अलग रूल्स होते हैं, अलग अलग तरीके से सिखाते हैं, हर कोई अलग अलग कोच होता है। तो यहाँ पर अजमा बोल रही थी कि मुझे येलो पहन कर जाना है, तो देखिए फ्रेंड्स वो बोल रही थी येलो पहन कर जाना है, मैं बोल रही हूँ रेड, अभी जो उसने कहा है वही पहना कर भेजूँगी। फिर मेरी बेटी जो है रेडी हो चुकी है गराले क्लास के लिए, अभी उसको छोड़ कर आते हैं। वैसे मैं उसके बाल जो है बन बनाना चाहती हूँ, लेकिन ये बनाने नहीं देती है, ये कहती है कि उसको बारीक मतलब एकदम हैवी हैवी सा, एकदम हैवी हैवी सा फील होता है उसको, इस वजह से वो मना करती है, क्योंकि एक्सरसाइज करने के लिए काफ़ी भारीपन फील होता है, इस वजह से उसको नहीं बनाती हूँ। तो ऑलमोस्ट अभी रेडी हो गई है, अभी देखिए 10 बजने में अभी 5 मिनट बाकी हैं, तो चलिए उसको छोड़ाते हैं। यहाँ पर मैं बना रही हूँ बिरयानी, आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, संडे है, तो यहाँ पर अभी देखिए यहाँ पर चावल चढ़ा दिए हैं, थोड़े से चावल हैं, चावल थोड़े से हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पर ये जो कढ़ाई है ये ले ली है, वरना मैं इस तरह का कोई पतीला ले लेती, लेकिन चावल थोड़े से ही हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिरयानी नहीं बना रही हूँ हमारे लिए, तो टाइम में हो जाए रात में हो जाए, इतनी काफ़ी है, तो बस कम बनाओ ना तो और टेस्टी बनती है। तो बस यहाँ पर चावल कुक होने का वेट कर रही हूँ, यहाँ पर सीटियाँ होती जा रही हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारी जो बिरयानी है वो दम होने के लिए रेडी है, सारा मसाला मैंने ऊपर से गार्निश कर दिया है, प्लेट को ढकेंगे और अब दम पे छोड़ देंगे। तो अभी मैं इसको 20 मिनट के लिए दम पे छोड़ूंगी, तकरीबन 20 मिनट जब तक छोड़ेंगे तब तक अंदर जो गोश्त है जो हमारा मटन है वो भी अच्छे से गल जाएगा, वैसे तो गला हुआ है 95% गला हुआ है, तो अभी थोड़ी सी कसर जो बाकी है ना वो इसमें पूरी हो जाती है जब दम पे। देखिए फ्रेंड्स हमारी जो बिरयानी है वो बन चुकी है, काफ़ी अच्छे से दम हो गई है, मैं आपको नज़दीक से भी दिखाती हूँ, इसके दाने ना एकदम काफ़ी दाने जो है खिले खिले हैं, एकदम जूसी, आप देख सकते हैं एकदम जूसी भी है और खिले खिले दाने भी हैं। चलिए कर लेते हैं लंच, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, मैंने यहाँ पर सर्व कर लिया है अपने लिए, ये जो बिरयानी है काफ़ी टेस्टी बनी है, अगर आपको रेसिपी चाहिए तो ज़रूर से मुझे कमेंट करना, मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। देखिए एकदम जूसी बिरयानी हमारी तैयार है, तो चलिए अब लंच कर लेते हैं, आप भी आ जाइए हमारे साथ। मैंने यहाँ पर एक और सेल्फ बिठा दिया है ताकि मेरे ये जो छोटे छोटे से कंटेनर है मैं यहाँ पर रख रही थी, तो मुझे घी का जो डिब्बा है वो रखने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, तो मैंने यहाँ से हटाकर बस यहाँ पर इन तीनों को और इसको कर दिया, ये काफ़ी मतलब अच्छा वाला है क्योंकि ये मैंने एकदम अच्छे से फिक्स किया है, तो ये मजबूती है इसमें काफ़ी, तो इस वजह से ये कलबत्ता जो है यहाँ पर आसानी से बैठ सकता है क्योंकि ये काफ़ी हैवी है, इसको यहाँ से हटाने के लिए अजमा के पापा बोल रहे हैं रिस्की है हटा दो, लेकिन ये काफ़ी मजबूती से मैंने बिठाया है तो मैंने इसको यहाँ पर रखा है,
और घी का डिब्बा ना काफ़ी तंग कर रहा था यहाँ पर इस वाले कोने में, क्योंकि जब यहाँ पर कोई चीज़ होती है तो इसको साफ नहीं कर पाते, जब कुकिंग होती है तो मुझे सबसे पहले काउंटर टॉप को क्लीन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी लगता है। तो इस वजह से मैंने उसको हटा दिया और यहाँ पर एक रैक बिठा दी, ताकि यहाँ पर ये जो सेल्फ है वो बिठा दी, ताकि सारे जो कंटेनर्स हैं वो आराम से यहाँ पर आ जाए। ये पुरानी वाली घी है तो इसमें थोड़ी सी बची है, तो मैंने इसको रखा है, बाद में ये खाली हो जाएगा जगह। और यहाँ पर मेरा जो ऑयल का कैन है वो मैंने धुल कर रखा है सूखने के लिए, शाम में इसमें ऑयल डालेंगे। और सारी चीज़ें इस तरह से मैंने सेट कर दी। और यहाँ पर एक और चीज़ दिखाती हूँ, ये देखिए, ये मेरा चम्मच वाला जो स्टैंड है वो मैंने यहाँ पर टांग दिया है इस तरह से बांध कर, क्योंकि इसको भी रखने के लिए कहीं जगह नहीं बन पा रही थी, तो मैंने सोचा चलो अब यहाँ पर इसको लगा देते हैं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे से बैठ भी रहा है यहाँ पर और अच्छे से रहेगा भी। पता नहीं ये कैसा यहाँ से लग रहा है, लेकिन मुझे तो अच्छा ही लग रहा है, इस वजह से मैंने यहाँ पर डाला है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मेरे पास एक्स्ट्रा रखी हुई थी तो मैंने बोला। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर लीजिएगा, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक नए ब्लॉग में नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।